बढ़िया गजब है और भी बेहतरीन स्वागत। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर सोनी अपने इस कार्यक्रम कोटो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं मथुरा के मशहूर गजक वाले लाला राम जायसवाल जी की शॉप पर हूँ। मुरैना वाले हैं, बहुत ही पुरानी दुकान है, 500 साल पुरानी दुकान है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ठंड के सीजन में जब सर्दियों का दिन आता है तो लाला राम जी के यहाँ बहुत सारी गजक की वैरायटी होती है। इतनी सारी वैरायटी आपको मिठाइयों में भी नहीं मिलेगी। ये सफ़ेद तिल का आइटम है, देखिए भाई साहब दिखाइए इनको। ये सब ये आइटम है, लगातार लाला राम जी व्यस्त रहते हैं और इनकी दुकान में लोग इनके गजक को खाने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो जब कभी भी आपका मथुरा आना हो तो आप धौलकुआ आइए, धौलकुआ आइए और धौलकुआ आकर आप जरूर इस गजक का स्वाद चखिएगा। भाई धौली पे आना है, धौली पे आना है, मथुरा के पास है, शिशु की दुकान है, बहुत बढ़िया गजक है, मजा आ जाएगा। ऐसा टेस्ट तिल्ली का, तिल्ली जैसे एक सामान्य से जिसको हम तिल की पापड़ी वगैरह मकर संक्रांति में खाते हैं, उसकी इतनी वैरायटीज बन सकती हैं आप नहीं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। 50 से ज़्यादा वैरायटी तो लाला राम जी ही बनाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि क्रिएटिविटी जो होती है, क्रिएटिविटी चाहे फूड की हो चाहे किसी भी तरह की हो, क्रिएटिविटी हमेशा जो होती है वो अपना एक नया रंग रूप में ही नज़र आती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये बनाते हैं, कितनी मेहनत लगती है बनाने में। ये जो है सफ़ेद तिल को भूना जा रहा है, बहुत ही सोंधा, एक सोंधी खुशबू आ रही है। देखिए तिल को भूना जा रहा है यहाँ पर पाटे में। ये जो आप देख रहे हैं इसको आप पहचान नहीं पाएंगे, ये दरअसल गुड़ की चाशनी का ऐसा रूप रंग निकल के आया है दोस्तों। ये गुड़ की चाशनी है, गुड़ की चाशनी देखिए। अब आप सोचिए कि किस प्रोसेस से बनाया जाता होगा कि गजक ऐसी बनती है। इसको मैं खींच भी नहीं पा रहा हूँ बाबा, मैं तो खींच भी नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो कितनी मेहनत लगती है बनाने में। उधर से पूरा स्टाफ लगा हुआ है, तिल लाई जाती है, उसको कूटा जाता है। अब तिल को कूट के बताइए भाई साहब कैसे करते हैं आप ये इसका उपयोग क्या है, बटोले का उपयोग बताइए। अभी इसमें तिल मिलेगा। अरे वाह, इसके अंदर मिला के फिर उसके बाद, अच्छा सॉरी, बनने के बाद उसके बाद पत्थर में कूटा जाएगा। अरे बाप रे, अच्छा एक ना तिल की पूरी बना। यही है दोस्तों गजक, जिसे आप गजक नाम सुना होगा आपने, तिल की गजक यही है। अपने आप में एक बहुत ही शानदार फूड वैरायटी है, हिंदुस्तान की परंपरागत स्वाद और खुशबू की ये मिठाई है और सर्दी के दिनों में अक्सर ये खाई जाती है। इसमें कैल्शियम बहुत ज़बरदस्त होता है दोस्तों। गुड़ और तिल मिल जाने के बाद आप ये मान लीजिए कि आपको आयरन और कैल्शियम इसी एक छोटी सी मिठाई से प्राप्त हो जाता है दोस्तों। तिल जैसे एक छोटे से आइटम कितनी वैरायटीज बनती हैं। तिल में दोस्तों कैल्शियम पाया जाता है और इसमें जब गुड़ मिलाया जाता है तो गुड़ में होता है आयरन, और जब तिल और गुड़ मिल जाते हैं तो वैसे भी मिठास बढ़ जाती है, स्वाद बढ़ जाता है और आपके शरीर की ताकत के लिए बहुत जरूरी हो जाता है वो आवश्यक तत्व जो है। किसी मल्टीविटामिन से आपको वो चीज़ें नहीं मिल सकती जो चीज़ें आपको नेचुरली इस छोटी सी देसी मिठाई से मिलती है। गजक इतना प्यारा नाम है दोस्तों, तिल का सबसे शानदार वर्णन है, तिल की सबसे शानदार समझ लीजिए एक एक प्रकार से नामकरण किया गया है गजक। ये गजक नाम कैसे पड़ा भाई साहब? ये गजक हमारे मुरैना में बनती है, हमारे पड़ोस में बनाते हैं, हमारे बाबा हैं मुरैना के अंदर गजक बनती है और ये मतलब एक हमारा एक आमदनी काम है। तो हर साल आप कितना बिजनेस करते हैं गजक का ही? ये हमारे पास अभी फिलहाल में 3 लड़के और है नहीं है, वो चले गए और इस साल तो घर थोड़ा सा बढ़ता है और मतलब खूब पुरानी दुकान है, अच्छी गजक है और खूब बिकती है। वो तो दिख ही रहा है, बाहर फुर्सत नहीं है। देखिए पिटाई कुटाई शुरू हो गई दोस्तों तिल के गजक की, देखिए गुड़ और शक्कर मिला के पकाया जाता है।
चौप हो गया है मेरा। बहुत ही बेहतरीन स्वाद है।